सुना है चौदह फरवरी कोई डे मनाया जाता है और उसमें कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है किसी लड़की को इजहार मोहब्बत करना है एक सुनार के बारे में आरफर उम्मीद ने लिखा है कि वो ना उसने बे था तो उसने एक बच्चा लेके पाल लिया तो बच्चा उसको बाप कहता था उसकी बीवी को माँ कहता था उन्होंने ले पाल बच्चा था और ये लोग जिनकी औलाद नहीं होती तरस जाते हैं कई दफा तरसे हुए लोग थे बच्चे को ले लिया पाला वो बच्चे ने भी हद कर दी फरमा बरदारी की अब वो जवान हो गया और बड़ा खूबसूरत जवान हुआ उस सुनार कहता है कि सारी जिंदगी मैंने सफाई में नेकी में गुजार दी एक दिन दुकान के पे एक औरत आई तो वो कहने लगी ये चूड़ियाँ मुझे खुद से आप पहना दें वो कहता है मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में गलत ख्याल आ गया मैंने गलत नजरिए से उसका हाथ पकड़ा और जब मैंने उसका वो हाथ उस नज़रिए से पकड़ लिया थाम लिया बहरहाल वो चली गई लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नापाकी आ गई तो मैं घर गया तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी और रो रही थी तड़प रही थी मैंने उसे कहा क्या हुआ तो वो कहने लगी कि बच्चा सारी जिंदगी फरमाबरदार रहा मैंने माँ बन के पाला पर आज उसने गलत जहन से मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तड़प गई हूँ टूट गई हूँ कि ये अगरचि ले पालक था किसी का था पर मैंने तो पुत्र समझ के पाला था ये क्या हुआ वो कहता मेरी चीख निकल गई तो मैंने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं ये मेरी गलती है मैंने बाहर आज नज़र गंदी की है तो रब ने मुझे सजा दी ये मुझे सजा मिली है तू तो किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो, तो किसी की बेटी पर गंदी नज़र डालता है तो अगर ये ते तो तेरे घर में यह कर्ज चुकाना पड़ा वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में तो उसकी बहन ने कहा है उसे बहन ने कहा उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है और मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है मां दुबट्टा रखती है कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे ना कर और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाजत दे मैं भी मर्जी की शादी तो वो कांप गया है बुरी तरह से वो कहता है ये तू क्या कह रही है उसने कहा तू तेरे लिए अगर ये है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया तो ये कोई महजब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत है क्या आप किसी को फूल भेजेंगे शर्म नहीं आती महजब कौम और और शरीफ लोग कौन होते हैं मेरे नबी क़रीम सलाम ने फरमाया अल हयाओ मिनल ईमान हया तो ईमान का हिस्सा है अगर तेरी नज़र ज़्यादा झुकी हुई है तो ज़्यादा हया वाला है इसलिए ये कोई गंद मंद किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाज़त नहीं वरना याद रखें इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियाँ हैं बहनें हैं फिर भी आप ये जौक बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया कहाँ रुकेंगे इसलिए ये ये सारी रसूमां उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी ज़िंदगी में आते हैं फिर उनकी लाशों से ताफ़ुन निकलता है ताफुन और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो अल्लाह से डरे अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए इसलिए कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करें बच्चों पर नज़र रखें अल्लाह हमें समझने की तोफ़ी का ताफ़र